नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का आठवां जो हमारा पाठ है जिसका नाम लोह तुला है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हमारे बताया गया है कि एक व्यापारी होता है और वो मतलब अपनी जो लोहे की जो तराजू है उसको लेकर के और व्यापार करने के लिए वो जाता है, तथा उसको मतलब एक धनवान लोग के यहाँ पर रख करके उसको व्यापार के लिए चला जाता है। फिर आगे इसमें क्या कहता है वो हम देखते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से लिया संग्रहित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक जो व्यापारी है अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं ऐसा सुनकर के जीर्णधन नाम का जो व्यापारी था वो उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन नाम का जो व्यापारी है वो कहता है कि पुत्र को कौन उठा के ले गए, बाज उठाकर ले गए। इस प्रकार प्रवाद करते हुए दोनों न्यायालय चले जाते हैं, ठीक है। न्यायालय पहुंचते हैं जहां पर धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं, ठीक है। हमारे इस पाठ में जो है वो कौन सा किसके विष्णु दत्त द्वारा रचित है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और पंचतंत्र नाम के इसमें से कथा के ग्रंथ मित्र भेद नाम का जो तंत्र है उसमें संकलित है, और इसमें जीर्णधन नाम का जो व्यापारी है वो अपनी धरोहर तराजू को रख करके और अपने वापस आता है तो मांगता है, तो वो क्या कहता है सेठ के उस चीज को, उस तराजू को कौन खा गए, चूहे खा गए, ठीक है। ऐसा सुनकर के जीर्णधन जो है वो उसके पुत्र को नहाने के बहाने ले जाता है और उसको गुफा में छुपा करके और सेठ के पास वापस आता है। तब तो सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो जीर्णधन नाम का व्यापारी कहता है कि उसको तो बाज उठाकर ले गए हैं। और इस प्रकार दोनों में क्या होता है, विवाद होता है। फिर वो राजा के पास चले जाते हैं और वहां न्याय अधिकारी उनको जाकर के अपनी समस्या को बताते हैं। तब जो जो न्याय करने वाले जो अधिकारी हैं वो उनको ऐसा जो समुचित जो न्याय है उसको प्रदान करते हैं, ठीक है। आइए देखो बच्चों, आसीत कश्चित् अधिष्ठाने जीर्णोधनो नाम बणिक पुत्रः, यानी कि एक समय क्या था, जीर्णोधन नाम का एक जो था वो व्यापारी था, बणिक पुत्र था। सच विवक्षया देशांतरहम गति गतुमिक्षणः व्यचिन्त्यत, यानी वो क्या था, और वह बहुत ही क्या था, बहुत ही गरीब था और अपने व्यापार के लिए अन्य देश में चला जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वशेत स पुरुषाधमः, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि अपने देश को छोड़ करके उसने क्या किया है, दूसरे देश में जाकर के अपने स्वयं से जो भुक्त जो उसने उपकार किए थे उनको क्या कर रहा है, वो भोग रहा है। तस्मिन् विभवहीनो, और वो क्या है, वैभव से हीन है, और यो वशेत च, और
वो वहां पर जाकर निवास करता है, वो स पुरुष, और ऐसे पुरुषों का क्या है, अदम है। ऐसे पुरुष क्या है, अदम है, जो अपने देश को छोड़कर के दूसरे देश में जाकर के भुक्त करते हैं और अपने वैभव से हीन है। ऐसे पुरुष क्या है, वहां जाकर के जो निवास करते हैं वो पुरुष जो है वो बहुत ही अधम होते हैं। ठीक है बच्चों। तस्य च ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो पार्जिता तुलाशीत, और उसके घर में क्या थी, लोहे की क्या थी, तराजू थी, जो किससे प्राप्त थी, जो उसके पूर्व जन्मों से उसको प्राप्त थी, है ना, यानी कि जो उसके जो व्यापारी था, जो मणिक पुत्र था, उसके घर में क्या थी, लोहे की एक तराजू थी, वो उसके क्या थी, पूर्व जन्मों से प्राप्त थी, पूर्व जन्मों की क्या थी, संपत्ति थी। ताच कश्यचित शिष्टनो गृहे निपेक्ष निक्षेप भूतां कृत्वा देशांतरं प्रसिद्धः, यानी कि वो उसको क्या किया, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास रख करके, एक धनवान व्यक्ति के पास रख करके, और वहां से दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर गया। ठीक है। ततः सुचिरं कालं देशांतरं यथेच्छाया भ्रांताः भ्रांतत्वा पुनः स्वपुरं मागत्यं च तं शिष्टनं वाचः, यानी कि वो क्या कह रहा है कि कुछ समय, लंबे समय के बाद, सुचिर कालम, लंबे समय के बाद में द्वारा से अपने देश में, अपनी इच्छा से अपने देश में पुनः आ गया, और यानी कि वहां पर जहां पर वो गया हुआ था दूसरे देश में, वहां घूमते हुए और अपनी इच्छा से है वो अपने देश में आ गया। तब उसने पुनः स्वपुरम आगत और अपने देश में आकर के शिष्टिन वाच और शिष्टिक से बोला, यानी कि धनवान से बोला कि वो शिष्टिन, हे धनवान, दीयताम मे सा निपेक्ष तुलाम निक्षेप तुलाम, तो वो क्या कहता है कि मेरी दी हुई जो तुला है उसको क्या करिए, वापस दे दीजिए। स आह वो नास्ति सा, वो क्या कह रहा है, धनवान कह रहा है कि नहीं है तो त्वदीया तुला मूषकेर भक्षिता इति, यानी कि तुम्हारी दी हुई जो तराजू थी उसको कौन भक्षित कर गया, उसको मूषक जो है वो भक्षित, वो मूषक जो है वो उसको क्या कर गए, खा गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए जीर्ण धन कहना, ओ भूशिष्टिनः नास्ति दोषस्ते यदि मूषकेर भक्षितेति इद्रग्गेवायं संसारः। अच्छा, तो वो कहता है कि हे धनवान, यदि तुम्हारा दोष नहीं है, यदि उसको मूषक जो है, चूहे जो है वो उसको खा गए हैं, तो आपका कोई उसमें दोष नहीं है, ये तो संसार का नियम है, ऐसा ही यह इदम गेयम, ऐसा ही यह संसार है, न किंचित दत्र सांत्वनमस्ति, और वो जो है वो उसको सांत्वना देता है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, और वो कहता है कि मैं नदी के स्नान के लिए जाता हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहता है, तत्त्वमा तुमियम शिशुमेनम धनदेव नामना नामानाम मया सह स्नानोपकारणम हस्तम प्रेषयम इति। वो जो जीर्णोद्धन जो जीर्ण धन जो था वो कह रहा है सेठ से, धनवान से, कि मैं स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूँ, तुम अपने, तुम्हारा जो पुत्र है धनदेव नाम का, जो तुम्हारा पुत्र है उसको मेरे साथ भेज दो, और स्नान, वो स्नान करने की जगह पर नदी पर, यानी कि वो जो है वो साबुन और
तेल वगैरह लेकर के आ जाएगा, ऐसा वो जो जीर्ण धन जो है वो सेठ से कहता है। ठीक है, स सृष्टि स्वपुत्र उवाचः, तो वो सृष्टि जो है वो अपने पुत्र से कहता है, सृष्टि जो है वो क्या कहता है, धर्मांग जो है वो अपने पुत्र से बोलता है, वस पुत्र पितृयो आयम तब स्नानार्थः याश्यति तद गम्यताम नेनः सार्धम इति। वो कह रहा है कि हे पुत्र, ये तुम्हारे जो चाचा जो हैं उनके साथ स्नान के लिए तुम चले जाओ और इनके साथ में तुम जो है स्नान के लिए वहां पर चले जाओ। अथाशो बणि कि शिशु स्नोपकार मादायः प्रहिष्ट मना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। और वो जो सेठ का जो पुत्र था वो बहुत ही स्नान को जाने के लिए बहुत ही प्रहष्ट मना यानी कि बहुत ही प्रसन्न था और वो जो है उनके साथ में क्या किया, अभ्यागतेन सह और उनके साथ में वो चल दिया। तथा नुष्ठिते सह बणिक स्नान त्वा तम शिशु गिरी गुहायाम प्रचिप्य तद द्वारम बृहत् शिलाया छादः सत्वरम गृहमागतः। तो उसके बाद में जब तथा निष्ठते स बणे के स्नान त्वम शिशु यानी कि जब वो बड़े के जो जीर्ण धन नाम का जो व्यापारी था वो स्नान के बाद में शिशु गिरी गुहा शिशु ने उसने क्या किया, जो धनवान का जो पुत्र था जो सेठ का जो पुत्र था उसको एक पहाड़ों की गुफा में उसको वहां पर छुपा दिया, प्रक्षिप्य यानी छुपाना। तद द्वारम ब्रह छिल याच्छादः सत्वरम ग्रह मागता और उसने उसके द्वार पर क्या की, बड़ी सी एक शिला को क्या किया, उस दरवाजे को बंद कर दिया और उसके बाद में वो क्या करता है, वो अपने घर के लिए आ जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें वो जो है वो अपनी तराजू को मांग रहा है सेठ जो है और वो उसने मना कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसके पुत्र को जो है वो नहाने के बहाने ले गया है और वहां पर नहाने के पश्चात उसको मतलब पहाड़ों की जो गुफा होती है उसमें अंदर छुपा दिया है और बाहर से एक बड़ी सी जो शिला है उसको उसने उसमें लगा दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्चिष्ट तेन बणजा वो अभ्यागतः कथ्यताम पुत्र में शिशुर्य स्तुत्वा सह नदीं गतः इति। और जब वो आता हुआ उसको देखता है, जो सेठ जो है वो उसको आता हुआ देखता है तो वो कहता है, वो आ गए कथ्यताम, कैसे हो, कुत्र में शिशु यानी कि कहां पर जो है वो मेरा शिशु जो है वो कहां पर है, वो तुम्हारे साथ नदी पर गया था, ऐसा जो है वो जो धनवान जो है वो उससे व्यापारी से कह रहा है कि मेरा पुत्र तुम्हारे साथ गया था नदी पर, वो कहां पर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, आहा नदी तटाश्यः सेनेन हतः इति शिष्ट्यः मिथ्यावादिनः किं क्वचितं श्येनो बालं हर्तु शक्नोति। यानी कि वो कह रहा है, नदी के तट पर बाज जो है वो उसको क्या किया, उठाकर ले गया। तब शिष्ट कहता, मिथ्यावादिना किम कच्चितः शयनो बालम हर्तुं शक्नोति। तो वो कह रहा है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, बाज जो है कभी भी जो है वो बाज जो है वो बाल को मतलब उठाकर नहीं ले जा सकता है। ठीक है, मतलब जीर्ण धन नाम का जो व्यापारी है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से क्या हो गया, बाज जो है वो उठाकर ले गया है।
लेकिन सेठ क्या कह रहा है, धनवान क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बाज जो है वो कभी भी मेरे मतलब बालक को उठाकर नहीं ले जा सकता है। ततम समर्पयम मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयस्यामी। तब वो कह रहा है कि या तो मेरा जो पुत्र है उसको समर्पण दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी राज दरबार में जाकर के और राज दरबार में जाकर के तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सह आहा वो सत्यवादिना यथा श्वेनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लुभो घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति। तदपरण में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति। तो वो कह रहा है सह आहा ऐसा कह रहे हो वो सत्य, तुम तो बहुत ही सत्यवादी हो, यथा सैन्य बालम न नयति, जो है जब बालक को जो है वो बाज नहीं ले जा सकता है, तथा मूषका अपि लोहो घटिताम तुला न भक्षयति, तथा मूषक जो है चूहा जो है वो लोहे की जो तुला है, लोहे की जो तराजू है उसको कभी भी नहीं खा सकता है। ऐसा कौन कह रहा है, जीर्णधन कह रहा है। तदर्पय मेव तुला यदि दार केण प्रयोजनम, और ऐसा प्रयोजन कहीं पर नहीं है। एव विवद मानो तो द्वापि राजकुलम गतो, और ऐसा दोनों विवाद करते हुए राज जो सभा थी राज दरबार था वहां पर दोनों आपस में लड़ते हुए चले जाते हैं। तत्र सेठी तार स्वरेण प्रावाच भो अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम मम शिशुर रनेव चोरेणात पहतः इति। यानी कि वो कह रहा है सृष्टि जो धनवान जो है वो मतलब वहां तार स्वर जोर स्वर से बोलता है कि वो ऐसा बहुत ही मतलब निठुर काम हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है, जो मेरे जो शिशु को ये जो चोर जो है वो चुरा कर ले गया है। अतः धर्माधिकारिणः इस्तमुचुहु भो समर्पयाता शिष्ट स्वतः। तो जो वहां धर्म के जो अधिकारी थे, जो न्याय करने वाले अधिकारी थे, वो कह रहे हैं कि तुम जो है जीर्णोदक से कह रहे हैं जीर्णधन से कि तुम इसका जो पुत्र है वो इस शिष्ट को इस धनवान को समर्पित कर दो। ठीक है बच्चों, यानी इसमें क्या कह रहे हैं कि वो दोनों लड़ते हुए क्या करते हैं, राजा के पास चले जाते हैं। साधु जो वो धनवान जो है वो कह रहा है कि कभी भी बाज को जो बाज जो है वो पुत्र को नहीं ले जा सकता है। तभी वो जीर्णधन नाम का जो व्यापारी है वो ये कह रहा है कि यदि बाज को पुत्र नहीं ले जा सकते हैं तो मेरी जो लोहे की जो तराजू है उसको भी कभी भी चूहे नहीं खा सकते हैं। ऐसा करते हुए वो राज दरबार में चले जाते हैं और राज दरबार में जो न्यायाधीश जो है जो मतलब न्याय करने धर्म का न्याय करने वाले जो हैं वो उन दोनों से उससे धर्म जीर्णोद्धन से कहते हैं कि तुम इनका जो पुत्र है वो वापस दे दो। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं ये, स आहा किम करोमि पश्यतो मे नदी तटाश्रेण अपहत शिशु इति। तो वो कह रहा है कि सहा तुम क्या करोगे, पश्यतो मेरे देखते हुए नदी तट पे जो है वो मतलब जो बाज जो है वो इनके शिशु को उठा करके ले गया। कौन कह रहा है ये जीर्णधन जो है वो कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, बाज जो है वो नदी तट से उठा करके इनका जो बच्चा था उसको उठा करके ले गया। तच्छुद्धत्वा ते प्रोचो भो न सत्यभितं भवतां किम शयनेन शिशु
हर्त समर्थो भवति। तो वो कह रहे हैं कि तुम जो है वो सत्य नहीं बोल रहे हो, कभी भी जो बाज जो है किम सेनेना, कभी भी जो बाज जो है वो शिशु हर्तम, शिशु को उठा करके ले जाने में समर्थ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर ये सभा हो रही है, इसमें राजा वगैरह बैठे हुए हैं और ये दोनों जो पुरुष हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं, सब आहा फुहो भो सीताम मदवाच तुलाम लोह सहस्त्रश यत्र खादन्ति मूषकः राजतन्त्रः हरेच्छयोनो बालकं नात्र संशयः। यानी कि ये यहाँ पर कह रहा है, जो जीर्ण धन नाम का जो व्यापारी है वो यहाँ पर कह रहा है कि तुला लोह सहस्त्रश यत्र खादन्ति मूषकः, मेरी जो लोह की जो तराजू थी वो 1000 किलो की थी, उसको जो चूहे जो हैं वो खा जाते हैं या खा सकते हैं, राजतंत्र हरे छे नो बालकम नात्र संशय, तब तो जो बालक को जो है वो सैन्य भी उठा करके बाज भी उठा करके उसको खा सकता है, ले जा सकता है। एक तीन प्रोचु कथम, ऐसा उसने कहा था। ततः सश्रेष्ठी सभ्यता सभ्य सभ्यानामग्रे आदितः सर्ववृतान्तं निवेदयमाशं तत् स्थिर्विहश्यः द्वावपि तो परस्परं संबोध्य तुलां शिशु प्रदानेन संतोषितो हो। यानी कि क्या कह रहे हैं कि तब जो श्रेष्ठ धनवान जो है वो उससे कह रहा है कि सभा में जो वो सारी बात जो है वो उसको सुनाता है और निवेदन करता है कि तत्हर्ष द्वा वपी तो परस्परम संबोध्य तुलाम शिशु प्रदानेना। तब वो वहां पर जो दोनों थे, जब वो कहानी सुनाता है कि मैं अपनी तुला को इनके यहाँ पर मतलब गिरवी रख के चला गया था और व्यापार पे आकर के लिए इन्होंने कहा कि तुम्हारी जो तराजू है उसको चूहे खाकर चले गए, इसलिए मैंने इनका पुत्र जो है वो वहां पर छुपा दिया है। तब तो ऐसा सुनने पर वहां पर जो सभी जो श्रेष्ठ लोग थे, जो मतलब वहां पर जो धर्म का न्यायालय के जो न्याय करने वाले थे वो सभी जो है वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों आपस में जो है संबंध कर लो, तुला शिशु और तुला जिसकी जो तुला है वो वापस दे दो और शिशु जो है वो तुम्हारे को वापस दे दो, आपस में वो एक दूसरे की चीजों को वापस वस्तुओं को या वापस करने के लिए वो वहां पर बताते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम और भी आगे देखते हैं। इसमें हमारे शब्दार्थ भी बताए गए हैं, पर पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो भी बताए गए हैं। उनमें कहा गया है कि अधिष्ठाने, अधिष्ठाने का मतलब होता है स्थाने, स्थाने या स्थान पर, विभव क्षयातः तो धन का अभाव, यानी कि धन के अभाव के कारण। ठीक है, इसके बाद में स्ववीर्यतः स्वपराक्रम, अपने पराक्रम के द्वारा या अपने पराक्रम से। ठीक है बच्चों, इसके बाद में और भी देखते हैं। लोह घटिकता तुला, लोह घटिकता तुला का मतलब होता है लोह से बनी हुई तराजू जो है उसको हम लोह घटिकता तुला कहते हैं। निक्षेपः मतलब न्यास, न्यास का मतलब धरोहर। ठीक है, भ्रांता का मतलब भ्रमण करना या पर भ्रमण करके वापस आ जाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में तो दिया नहीं तब भव दिया या तुम्हारी। ठीक है,
इत्रक मतलब एतादृश भी हो सकता है और ऐसा ही। एतादृश का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। और इत्रक का मतलब भी क्या होता है? ऐसा ही। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इनम। इनम का मतलब इनम एतम इनम च पुंसी, यानी कि इससे इससे इसको जो है इसे शब्द से बताया गया है। एत शब्द का पुल्लिंग द्विवचन और विभक्ति के रूप में इसको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में आत्मियम, आत्मा से संबंधित यानी कि अपना। आत्मियम का मतलब होता है अपना, या आत्मा से जो संबंधी जो बात हम बताते हैं उसको हम आत्मियम कहते हैं। स्नानोपकरणम हस्तम, यानी कि स्नान सामग्री। स्नान उपकरण का मतलब क्या होता है? स्नान सामग्री, यानी कि स्नान की सामग्री से युक्त हाथ। ठीक है, हस्ते यश, हस्ते यश यानी बाला। ठीक है ना, सततः यानी कि वो व्यापारी जो था उसके लिए कह रहे हैं। बने जा, बने ना मतलब व्यापारी, व्यापारी के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्या कह रहे हैं? शयन, शयन का मतलब पक्षी विशेष के लिए है और इसमें कौन आ जाएगा? हमारा बाज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब्राह्मण यानी कि अन्याय रूपक, अनुचित और घोर अन्याय हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब्राह्मण का मतलब घोर अन्याय हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं, देखिए देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं। समर्पयम, समर्पयम का मतलब क्या हो जाएगा? देही, देना या दे दो। ठीक है, दो है। विवदमानो, विवदमानो का मतलब क्या हो जाए? कलह कुर्वन्तु, यानी कि झगड़ा मत करो, विवाद करना। विवदमानो मतलब विवाद करना या झगड़ा करते हुए। ठीक है, उसके बाद तार स्वरेण, स्वर यानी उच्च स्वर, तार स्वर मतलब ऊंचे स्वर से यानी कि जोर से बोलना। ठीक है, इसके बाद में उच्च हु अवदत, अवदत यानी बोले। उच्च का मतलब क्या होता है? बोलना। अभी हितम, अभी हितम मतलब कथितम या कहना। ठीक है, मद्वच मम वचनानी यानी कि मेरी बात है। ठीक है, मद्वच मतलब मम वचनानी या मेरी बात है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आदितः, आदितः मतलब प्रारंभतः या आरंभ से। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए निवेदया मासः, तो निवेदयम करना, निवेदन करना। ठीक है, विहस्य, विहस्य का मतलब होता है हसित्वा या हसकर। ठीक है, संबोध्य या बोधित्वा यानी समझा बुझाकर। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में हमारे जो इस जो पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। देशांतर गतु भिक्षाम बणिक पुत्रम के, यानी कि जब देश से चला गया तो जो बणिक पुत्र जो है वो क्या चिंता कर रहा था। स्वतुलम याचमानम जीर्ण धनम सृष्टि किम मकर, और वो अपनी जो तुला का याचना कर रहा था तब जीर्ण धन को मतलब सृष्टि ने जो धनवान जो था उसने क्या कहा था। ठीक है, इसके बाद में जीर्ण धन गिरी द्वारम कया आगच्छ गृह मा, और जीर्ण धन जो है वो पहाड़ की गुफा के द्वार पर क्या रख करके आ गया था। ठीक है, उसके बाद स्नानम, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ बणिक पुत्र शिष्टिनः किम उवाच, तो स्नान के बाद में पुत्र के विषय में बणिक पुत्र ने जो है वो शिष्ट से धनवान सेठ से क्या कहा था। ठीक है, धर्माधिकारी भी जीर्ण धन शिष्टिनो कथम संतोष, और धर्म अधिकारी जो है वो जीर्ण धन को और शिष्ट को सेठ जो था उसको किस प्रकार उन्होंने संतुष्ट किया। ठीक है, इसके बाद में जीर्ण धन विभव ख्यात देशांतरम गंतुम विकंत, और जीर्ण धन जब गया था अपने देश के बाद में उसने मतलब क्या चिंता की थी। शिष्ट न शिशु स्नान उपकरण मादय अभ्यागतेन सत्र, और
सेठ जो है स्नान के मतलब गया था, शिशु को मतलब उसको भेज दिया था। श्रेष्ठी उच्च स्वरेण वाचा वो अब, यानी कि श्रेष्ठ सेठ जो है धर्मान जो है वो उच्च स्वर ऊंचे स्वर में बोलता है कि बहुत ही घोर मतलब पाप हो रहा है, बहुत ही गलत काम हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, सभ्य तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतो। और वहां पर जो लोग थे, न्यायाधीश जो थे, उन्होंने दोनों को परस्पर में तुला और शिशु को देने के लिए कह रहे थे। उद्दोलिखिता नाम श्लोका नाम अपूर्ण्याम विवय प्रदत्तम भुक्ता पाठम पूज्यम। यानी कि ये जो हमारे जो इत्र प्रदेश अथवा स्थान है भुक्त भोगा, ये जो श्लोक जो है उनके बारे में हमें इसमें पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। इस यानी कि आज की जो हमारी कक्षा थी वो लोह तुला नामक जो पाठ था जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित था उसके बारे में हमने आज जानकारी की है। इसमें हमने सेठ और व्यापारी जो है उसके बारे में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में उसने कहा गया है कि लोहे की तुला के मतलब उसको चूहे खा जाते हैं और उसका जो पुत्र था वो उसको मतलब व्यापारी जो है वो छिपा देता है अपनी लोही की तुला के लिए, उसके पुत्र को छिपा देता है। फिर वो दोनों राज दरबार में चले जाते हैं और उन दोनों को आपस में न्याय मिलता है ना। इस बात में हमें यही बताया गया है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।